चाइनीज फूड इंडिया में बहुत पॉपुलर है और हमेशा से ही पॉपुलर रहा है। उसकी एक वजह तो ये है, एक तो ये फटाफट बन जाता है, बहुत जल्दी बहुत आसानी से बन जाता है, और दूसरी वजह इसका टेस्ट। इंडिया में कुछ अलग तरीके का चाइनीज़ मिलता है, हमें अपने तरीके का चाइनीज़ खाने की आदत पड़ गई है, जिसे इंडो चाइनीज़ भी बोल सकते हैं। नॉट एग्जैक्टली चाइनीज़ बट हल्के से उसके अंदर वेरिएशंस हैं हमारे टेस्ट के मुताबिक। और एक ऐसी ही एक डिश मैं बनाने वाला हूँ आपके लिए आज, जिसका नाम है पनीर चिली। बहुत सारे रेस्टोरेंट के मेन्यूज़ में आपको मिल जाएगी और काफ़ी सारे लोगों की फेवरेट डिश है। जब कुछ समझ में नहीं आता क्या ऑर्डर करें, तो पनीर भी है चिली भी है, तो चलो ऑर्डर कर देते हैं। तो ऑर्डर क्यों करना, घर पे बनाइए। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही आसान सी रेसिपी, बट टेस्ट कमाल का होगा। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी, पनीर चिली। तो पनीर चिली की जो ग्रेवी होती है उसके अंदर जाहिर सी बात है पनीर होगा। तो पनीर मैंने यहाँ पे इस तरीके से ये काट के रख लिया है, और क्यूब्स में या फिर रेक्टेंगुलर शेप में आप जैसे भी काट सकते हो। तो पनीर मेरे पास है, और सबसे पहले क्या करेंगे हम, पनीर को डीप फ्राई किया जाता है या फिर आप शैलो फ्राई भी कर सकते हो। पनीर को ऐसे ही प्लेन हम फ्राई नहीं करेंगे, उसके ऊपर एक हल्की सी कोटिंग होती है, वो कोटिंग पहले तैयार करते हैं। तो सबसे पहले ये पनीर, और यहाँ मैंने लिया है 300 ग्राम पनीर। पनीर में यहाँ पे मैं डालूंगा 2 टेबलस्पून मैदा यानी कि ऑल पर्पज फ्लावर, और उसके साथ साथ इसके अंदर मैं डालूंगा कॉर्नफ्लावर। तो कॉर्नफ्लावर इसे ज़रा सा क्रिस्पी बना देगा, तो ये गया 1 टेबलस्पून, ये दोनों चीज़ें गई। और इसके अंदर मैं डालूंगा नमक, मैं यहाँ पे पिंक सॉल्ट यूज़ कर रहा हूँ, बट आप यूज़ कर सकते हो ऑर्डिनरी सॉल्ट भी। तो ये गया नमक इसके अंदर, और नमक के साथ साथ इंडो चाइनीज़ खाने की जान वो है काली मिर्च, तो काली मिर्च गई है पिसी हुई, ये डाली। और इन सारी चीज़ों को मैं जेंटली पनीर के पीसेस के ऊपर कर लूँगा टॉस। हल्का सा मैं इसके ऊपर पानी डाल देता हूँ, 1 चम्मच बस, और इन सारी चीज़ों को मैं एक बार फिर से कर लेता हूँ टॉस। अब चम्मच छोड़ देते हैं इसे इसी तरीके से, ये जो सारा मसाला है वो पनीर के ऊपर लिपट गया अच्छे से। अब इसे क्या करेंगे, इसे 5 मिनट के लिए मैं इसी तरीके से छोड़ देता हूँ, उसके बाद मैं इसे डीप फ्राई करूँगा, और क्विकली हम बनाएंगे पनीर चिली की ग्रेवी। तो यहाँ पनीर को फ्राई करने के लिए मैंने तेल रखा हुआ था, तो यहाँ पे तेल मीडियम हॉट हो चुका है। अब इसके अंदर मैं ये जो पनीर के पीसेज हैं ये मैं केयरफुली इसके अंदर डालूँगा। और हमें तब तक फ्राई करना है जब तक ये नाइस गोल्डन कलर के नहीं हो जाते। और पनीर को अच्छे से गोल्डन क्रिस्पी फ्राई होने में लग जाएंगे तकरीबन 4 से लेके 5 मिनट। तो मीडियम फ्लेम के ऊपर अच्छे से हम पनीर को पलट पलट के तल लेंगे। तो पनीर अच्छे से गोल्डन हो गए हैं और क्रिस्पी भी हो गए हैं। अब इन्हें इस तरीके से मैं पेपर टॉवल के ऊपर निकाल लेता हूं, और इसी तरीके से मैं बाकी भी जो पनीर के क्यूब्स थे उन्हें भी तल लेता हूं। तो अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, इसकी हम ग्रेवी बनाएंगे। तो पैन अच्छे से गर्म हो चुका है, इसके अंदर मैं डालूंगा तेल। तेल डालते ही इसके अंदर जाएगा ये चॉप किया हुआ अदरक यानी कि जिंजर, और चॉप किया हुआ लहसुन यानी कि गार्लिक, और इसे हल्का सा मैं पहले सौते कर लूंगा। और हीट जो होनी चाहिए वो बिल्कुल हाई पे होनी चाहिए, क्योंकि जो इंडो चाइनीज खाना होता है उसकी खासियत ही ये है कि वो हाई हीट पे पकाया जाता है फटाफट, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुकिंग इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होती है। ऑलमोस्ट जो सारी चीज़ें हैं वो या तो क्रंची होती हैं या वो कुक्ड होती हैं। ये है हरी वाली प्याज का आगे वाला हिस्सा, जो अनियन बल्ब होता है वो गया इसके अंदर, और इसे भी क्विकली मैं मिक्स कर देता हूँ। नाउ इसके अंदर ऐड करेंगे स्लिट की हुई ग्रीन चिलीज, डाइसीज में कटी हुई सब्जियां हैं, ये हैं प्याज और शिमला मिर्च, हरी वाली, पीली वाली और लाल वाली। अगेन दीज आर ऑप्शन, आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो यूज कर सकते हो। तो क्विकली इनको करेंगे टॉस,
ये जो सारी सब्जियां हैं उनके अंदर क्रंच एक रहना चाहिए। नेक्स्ट इसके अंदर मैं ऐड करूंगा सोया सॉस, और क्योंकि पनीर चिली है तो मैं यहाँ इसके अंदर डालूंगा चिली सॉस, और हल्की सी मिठास भी होती है तो उसके लिए केचप। और इन्हें करते हैं मिक्स, जरा सा नमक एज पर टेस्ट, उसके साथ साथ काली मिर्च पाउडर यानी कि ब्लैक पेपर पाउडर। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लाल मिर्चें ली जो सूखी हुई होती हैं, उनको मैंने सिरका यानी कि विनेगर के अंदर इसे 10 से 15 मिनट के लिए मैंने सोक करके रखा है, तो अच्छे से ये विनेगरी हो गई है। सिरके का भी यानी कि विनेगर का भी फ्लेवर आ गया है, उसके साथ साथ मिर्चों का भी, तो इन्हें भी मैं चॉप करके डालूंगा इसके अंदर। सो नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे है कॉर्नफ्लावर एक छोटा चम्मच, इसके अंदर मैं डालूंगा जरा सा पानी, और इसकी मैं स्लरी बना लूंगा यानी कि इसका मैं एक घोल तैयार कर लूंगा। इससे ग्रेवी जो है वो गाढ़ी हो जाएगी, जो डिजायर्ड कंसिस्टेंसी है जैसी हमें चाहिए वैसी मिल जाएगी, बट मेक श्योर गुठलियाँ ना हो। और ये गई कॉर्नफ्लावर की स्लरी इसके अंदर। और मैं ज़रा सा पानी और ऐड करूँगा क्योंकि मैं इसे हल्की सी रस्सी मिसी बना रहा हूँ, यानी कि ज़रा सी ग्रेवी होगी, बहुत ज़्यादा नहीं। तो अबाउट 1/3 कप मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है। इसे मैं कुक करूँगा फॉर अबाउट 2 मिनट्स। तो नेक्स्ट इसके अंदर जाएगा ये फ्राई किया हुआ डिलीशियस पनीर। ये मैं हल्का सा पानी इसके ऊपर छिड़कूंगा। और इसे बस मैं 1 मिनट के लिए कुक करूंगा हाई फ्लेम के ऊपर, और एंड में मैं इसके अंदर डालने वाला हूँ ये है स्प्रिंग अनियन के ग्रीन्स यानी कि हरी प्याज की जो डंडियाँ हैं वो मैंने चॉप की हुई हैं, ये डाली हैंडफुल। और एंड में इसके अंदर जाएगा 1 चम्मच शहद यानी कि हनी। आप चाहें तो इसके अंदर चीनी भी यूज़ कर सकते हो। बस 30 सेकेंड और कुक करते हैं और फिर जो पनीर चिली है वो बिल्कुल तैयार है। तो पनीर चिली बनकर बिल्कुल तैयार है, गैस करते हैं बंद और इसे डिश आउट करते हैं। तो जो पनीर का पीस जो मैंने बचा लिया था वो, और इसके अंदर स्प्रिंग अनियन के ग्रीन से कुछ गार्निश, और उसके साथ साथ भुने हुए सफेद तिल। तो आप भी बनाएं झटपट बन जाने वाली रेसिपी पनीर चिली घर पे, और मेरे साथ फीडबैक शेयर करें, कमेंट करें ज्यादा से ज्यादा। उसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करें और शेयर भी करें, और अगर आपने मेरा चैनल कपिल का किचन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, एट द सेम टाइम बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। तब तक खाते रहो, खिलाते रहो, एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।